हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनकी फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे जो बच्चे काफी पसंद करते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने ये जो मीडियम साइज के आलू हैं वो लिए हैं। ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक ठीक होने चाहिए। ये एकदम मीडियम साइज के, वो चिप्स वाले आलू जो होते हैं वो नहीं है। तो आप इस तरह के साइज के ही आलू लें और इनको छील लें अच्छी तरह से। छीलने के बाद हम इसके जो पीसेस है वो करेंगे। तो पीसेस करने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा ये साइड का पार्ट है वो निकाल देना है, ये ताकि ये क्या है शेप अच्छी आएगी हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है उनकी। अब हम इसको इस तरह से पतले पीसेस में काटेंगे, ज्यादा पतले नहीं, ये इतनी मोटाई होनी चाहिए इसकी। और हम इसको इस तरह से ये पीसेस निकाल देंगे। आप चाहे तो इनको इकट्ठा भी काट सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, इस तरह से इकट्ठा भी काट सकते हैं आप। ये मैंने इस तरह से किया और अब मैं इनको इकट्ठा दोनों को काट दूंगी। इस तरह की हमारी ये देखिए, ये इस तरह के पतली पतली जो है फ्रेंच फ्राइज बनेगी। ये और कोशिश करें आप जहां तक हो एक साथ काटने की कोशिश करें इनको, किनारे निकाल के साइड में और इस तरह से ही काटे। ये देखिए ये कितना एक सार आ रहा है, ये इस तरह का आना चाहिए। ये हम अलग रख लेंगे और इनको तैयार करेंगे आगे। इस तरह के पीसेस काटने हमें सारे, ये सारे आलू के मैं ये काट लूंगी और फिर आपको बताती हूँ अभी क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये इनको सारों को जो है अब इसमें एक बर्तन में डाल दूंगी। बर्तन में डालने के बाद पहले हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ये हमने मटके का पानी डाला है इसमें। इसको अच्छी तरह से डिप कर लेना है, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएंगे। डिप कर देना है, ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने काटे हैं। और देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है इसकी। तो हमें यही चीज ध्यान रखना है, या तो आप इसमें जो चॉपर जो आता है वो आप यूज कर ले, नहीं तो आप हाथ से इनको किनारों को साइडों में से काट ले और फिर इस तरह से इसको ये स्क्वायर शेप में जो आ रही है इस तरह से, और ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया हमारा। इस तरह से प्यारी सी शेप निकाल ली हमें दोनों तरफ से ये निकाल के। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम भिगो देते हैं सभी को। लगभग 45 मिनट तक इसको भिगो के रखा है। ये देखिए पानी कैसा हो गया इसका, एकदम रेड रेड पानी हो गया है। अब मैं इसमें, मैंने ये अलग जो बर्तन है इसमें मैंने गर्म पानी किया है, थोड़ा सा मैंने कसूना पानी किया, ज़्यादा गर्म नहीं किया है। और इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी जो मैंने ये ठंडे पानी में डाले हुए थे। ये मैंने मटके का पानी लिया था और इसमें मैंने 45 मिनट तक इसको रखे और अब मैं इसको इसमें गर्म पानी में ट्रांसफ़र करूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी। ये इस तरह से हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनको सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये सारा ट्रांसफर कर दिया है और ये जो हमारा पानी है वो इस तरह का हो जाएगा जब हम इसको निकालेंगे। तो हम इसमें अब लगभग 12 मिनट के करीब इसको रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है गर्म पानी में। चलिए इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने ये आलू जो थे गर्म पानी में डाल के रखे थे 12 मिनट के लिए। अब मेरे 12 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको ढक्कन को हटाकर इन आलुओं के जो चिप्स हैं उनको निकाल लूँगी साइड में। ये हम इस तरह से निकाल लेंगे सारे के सारे। और ये शेप भी देखिए कितनी अच्छी आई है इसकी। अब हम इनको कपड़े से पोंछ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमने पूरा इसका पानी एकदम साफ कर लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। ओनली आलू का जो पानी रहेगा खाली वो ही बनेगा इसमें, बाकी बिल्कुल पानी नहीं रहेगा जो हमने ये पानी में भिगोया है वो। देखिए एकदम साफ है। अब मैं इसको
पूरे जो है इनको मैं अच्छी तरह से साफ कर लूंगी और कपड़े से अच्छी तरह से पोंछने के बाद इनको मैं एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रीजर में से जो हमने आलू रखे थे वो निकाल लिए हैं और अब हम इनको तलेंगे। इसमें इस तरह से ये जो आइसिंग है वो जम जाएगी और मैंने इनको एक घंटे के लिए रखा है इसमें और ये इस तरह से अब मैं इसको तलूंगी। तो हमारे ये तेल भी तैयार हो चुका है बढ़िया, हम इसको डाल के देखेंगे इस तरह से। तो ये तैयार हो चुका है, ये देखिए ये बबल्स इस तरह से आने शुरू हो गए इसमें, तो मैं ये सारे इसमें डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये कढ़ाई में सारे निकाल लिए हैं कढ़ाई से और ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमने इनको 5 मिनट के लिए फ्राई किया था कढ़ाई के अंदर और 5 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ भी कर लेंगे और फ्लेम को तेज़ करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से हिला कर और फिर इसे सारे ये निकाल लिए हमने और हमने इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। आप चाहे तो इसको पंखे को चाहे स्टार्ट करके इसको फटाफट ठंडा भी कर सकते हैं। और ये हमने जो फ्रेंच फ्राइज जो फ्रीज़र में रखे थे उनको हमने निकाला था, तो आप इसको जो बाकी हमारे बच जाते हैं उनको आप वापस इसमें आइस वाले जो फ्रिज का जो रहता है उसमें रख सकते हैं ताकि हम इसे 2 दिन बाद भी काम में ले सकते हैं और जब भी आप चाहें इनको तलकर इस तरह से दोबारा फ्राई करके अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये फास्ट वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो ये वैसे ही पसंद है। तो हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब हम इसको वापस गैस चलाकर हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने ये मैं गर्म कर रही हूँ तेज आँच पर अच्छी तरह से, जो है वापस इनको डाल देंगे। धीरे धीरे करके हमें डालना है ताकि ये तेल हमारे ऊपर उछले नहीं। इस तरह से हम सारे इनको डाल देंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको हिला देना है इस तरह से। हम इसको जाली से हिला देंगे और सिम आंच पर इसको 5 मिनट के लिए हम वापस फ्राई करेंगे। इस तरह से हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। ये आप एक पीस निकाल के देख लीजिए, इसको मैंने साइड में निकाल लिया है, क्रैक करके देखूंगी। ये देखो एकदम क्रिस्पी है। तो अब हम इसको फ्लैप को बंद कर देंगे और ये सारे निकाल लेंगे इसमें से। ये फूल चुके हैं अच्छी तरह से। ये जो फ्राइज हमारे तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और ये घर पे बनी हुई जो चीज़ होती है वो बहुत ही मस्त लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो तैयार हो चुकी है। आप इस पर जो है वो सेंधा नमक जो है वो छिड़क लें और जो काली मिर्च का पाउडर है वो थोड़ा सा इस पर डाल लें। जो सादा नमक होता है वो आप यदि फास्ट में नहीं खाना चाहें तो आप इसमें वो सादा नमक जो है वो भी डाल सकते हैं और नहीं तो सेंधा नमक है वो डालिए और हल्की सी मिर्ची भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डाल सकते हैं आप इसमें और फास्ट में भी इसको खा सकते हैं ओनली सीधे नमक के साथ। तो आप इसको घर पर जरूर ट्राई करेगा और फास्ट में तो दी बेस्ट रेसिपी है, घर की शुद्ध प्योर जो बनी हुई रेसिपी अपने हाथों से। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।